ये किसने बताया तुम्हें? बानो मुझे मजबूर मत करो, भगवान ना करे कोई तुम पर हमला करते। कंसल्टेंट्स आए हैं सर। कल तूफान, कल वो हमारा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो केमल को जोंगर डाक भेज देते हैं, इससे पहले वो अपना घर जमा ले। पता करो मेरी हर एक मिनट की जानकारी किसे पता है। पता करो तूफान, वरना सिर्फ तुम ही बचोगे। हेलो तूफान, क्या उस जगह पर तुम इंतजार कर रहे हो? जी सर, ठीक है। तुमने केमल को रासत से क्यों मिलाया? तुमने मेरा प्लान बर्बाद क्यों किया? एमिर सर, यकीन मानिए मैंने राशिद को पैसे दिए और फिर मैं वहां से चला गया था। केमिल को भी पेपर साइन करने के बाद से नहीं देखा मैंने। मेरा यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया सर। तो तुमने उससे फोन पर बात की होगी, उससे सामने नहीं? मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की सर। मेरा यकीन कीजिए, मैंने बात नहीं की उससे। फिर किसने उससे बात की बताओ? नहीं की सर, नहीं की। तो फिर मैसेज किया होगा? तुमने कहा मिस्टर केमल संभल कर रहिए और ध्यान दीजिए। हेमी सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा, वो भी आपके पीठ के पीछे। मैंने तो सोचा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, फिर तुमने ये क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों क्यों किया ऐसा तूफान? क्या मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं जिससे तुमने केमल को मैसेज किया? तुम्हारी जबान काट लूं, तुम्हारी आंखें खराब कर दूं? बोलो क्या करो? हेमीर सर, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो गलत तुम मेरे साथ हुआ है। मेरा यकीन मानिए सर कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकते तूफान, क्योंकि मुझे आपके सामने साबित करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, दोस्त हूं। आपको यह भी नहीं पता कि आप अपने असली दुश्मनों को कितना ज्यादा वक्त दे रहे हैं, और ऐसे एक असली वफादार से आप सवाल कर रहे हैं और कितना वक्त बर्बाद हो रहा है आपका। एमिर सर, आपका परिवार आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। निहान, हम बात कर सकते हैं प्लीज? हेलो
तुम हमें क्या दिखाना चाहती थी? कुछ नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ छुपा रही हो, हमें इस बारे में पहले ही पता है। निहान, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या है? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? एमएल ने केवल को फंसाया है पापा, उसके सिग्नेचर करवाए हैं। मैं आपको बाद में बताती हूँ, मगर पहले से एमएल के बैग में रखना है मुझे, प्लीज। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। पापा। निहान, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एमएल के खिलाफ जा रही हो। बेटा, आज के बाद तुम पहले मुझसे बात करने आओगी, समझ गई तुम? ठीक है, अब जाओ। पापा, पासवर्ड है 2010।